हेलो दोस्तों, मैं हूं सजीरुद्दीन, वाइट बंगाल के रहने वाला हूं और मैं एक बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है स्पार्क प्लग के ऊपर। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बाइक लॉन्च हो रहा है, स्कूटी लॉन्च हो रहा है, कार लॉन्च हो रहा है, तो सभी बाइक एंड स्कूटी एंड कारों में दिया जाता है क्या स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का रोल क्या होता है, एक अच्छा क्वालिटी स्पार्क प्लग हम लोग कितना किलोमीटर चला सकते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ स्पार्क प्लग के कारण क्या क्या बीमारी होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक नंबर पे आते हैं बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम, दो नंबर माइलेज घट जाएगा, तीन नंबर बाइक में मिसिंग करेगा, चौथा नंबर बाइक डेड हो जाएगा। ये चार नंबर जो होता है इम्पोर्टेंट चीज होता है, एक स्पार्क प्लग के कारण चार कारण हो सकता है ना। अब सवाल है, आपकी बाइक में आपने एक नया स्पार्क प्लग लगा दिया है, बाइक चलाते जा रहा है 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन आपको ये नहीं खबर जो मेरा स्पार्क प्लग तो 20,000 किलोमीटर चल रहा है, तो इससे क्या हमारा बाइक सही चल रहा है? तो दोस्तों, कभी भी सही नहीं चल रहा है। एक स्पार्क प्लग की हम लोगों का एक आयु होता है कि किलोमीटर हिसाब से कितना किलोमीटर में हम लोग यानी कि स्पार्क प्लग को चला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले वो बताता हूँ जो आप लोग कितना किलोमीटर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं एक अच्छा क्वालिटी इंजन जो होता है, बाइक में पोल्यूशन ना हो, बाइक में यानी कि माइलेज ख़राब ना हो, उस कंडीशन में आप लोग 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक आप लोग चला सकते हैं। उससे ज़्यादा चलाएंगे तो बाइक तो चलेगा लेकिन आप लोगों का माइलेज जो है माइलेज घट जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को 10 से 12,000 किलोमीटर एक अच्छी क्वालिटी इंजन में आप लोगों को स्पार्क प्लग आप लोगों को चलाना है। अब आते हैं, आपका बाइक में पोल्यूशन आ रहा है, बाइक में साइलेंसर से आप लोगों को हॉइट स्मोक आ रहा है या ब्लैक स्मोक आ रहा है, तो वैसा पोजीशन में आप लोगों का स्पार्क प्लग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई भी नहीं बोल सकता कितना किलोमीटर बाइक चलेगा, बाइक बंद होगा। तो वैसा रीजन में आप लोगों को स्पार्क प्लग जितना भी आप लोग ओरिजिनल हो, लोकल हो, ये सब लगाएंगे ना तो स्पार्क प्लग आप लोगों का कट जाएगा और आप लोगों को लगेगा क्या जी स्पार्क प्लग हम लोगों का डुप्लीकेट दे दिया है, लोकल दे दिया है। इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसके आगे बिन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इंजन में जो हम लोगों का एग्जॉस्ट होकर जो हम लोगों का पोल्यूशन आती है ना, उसमें हम लोगों का हानिकारक होता है यानी कि हॉइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, वो ज़्यादा आएगा, इसके अंदर चिपक जाएगा और प्लग जो होता है हम लोगों का शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको बाइक में अगर पोल्यूशन आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, फ़ौरन किसी भी शॉप में आप लोगों को जाना पड़ेगा, जाने के बाद आप लोगों को इंजन का काम कराना पड़ेगा या मैकेनिक भाई को बोलना पड़ेगा कि मेरे बाइक में वाइट स्मोक आ रहा है या ब्लैक स्मोक आ रहा है। तो वाइट स्मोक के लिए आप लोग इंजन में अंदर दिया जाता है हम लोगों का लाइनर ब्लॉक किट, भाल्व सील, तो ये सब के लिए हम लोगों को पूरा इंजन चेकअप करके देखना पड़ेगा और इंजन का काम करना पड़ेगा। और अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है तो आप लोगों का माइलेज घट गया है, आप लोगों को देखना है क्या यानी कि एयर फिल्टर खराब हो सकता है, कार्बोरेटर खराब हो सकता है, और BS6 बाइक हो तो ऑक्सीजन सेंसर भी ख़राब हो सकता है, काफ़ी सारे चीज़ हो सकता है, लेकिन ये सब मैकेनिक भाई कर सकते हैं डिसाइड, आप लोग नहीं। तो माइलेज ख़राब के लिए उसी दौरान आप लोग को इंजन हो, बाइक हो, उसको सही करना है, तब जाके स्पार्क प्लग आप लोग 10 से 12,000 किलोमीटर चला सकते हैं आपके इंजन में। अब सवाल है, आपके बाइक में स्टार्ट नहीं ले रहा है तो आप क्या किया, किसी भी शॉप पर आप गए, बोला कोई भी मैकेनिक को, भाई साहब मेरा बाइक जो है स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो वो मैकेनिक भाई क्या करते हैं, अपने दुकान पर कोई भी कंपनी होता है वो लगा देता है, स्टार्ट करके आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बाइकों में स्पार्क प्लग आप लोग कौन सा कंपनी लगा सकते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी अलग अलग कंपनी मौजूद हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को ये डिसाइड करना है जो कौन सा कंपनी यानी कि सही चल रहा है। अभी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा तीन कंपनी जो है एकदम कॉम्पिटिशन मार्केट में है, नया नया बाइक में भी दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बॉस कंपनी जो है, माइको बॉस कंपनी, ये बचपन से हम लोग देखते आ रहा है, वो एक ओरिजिनल होता है, वो चला सकते हैं, वो बहुत अच्छा क्वालिटी होता है ना, लेकिन उसका भी काफ़ी डुप्लीकेट कॉपी माल हो चुकी है, आप लोगों को देखकर ही लेना है। वो कैसे, मैं अगर आप लोग बोलते कि स्पार्क प्लग ओरिजिनल और डुप्लीकेट में हम लोग अंतर कैसे समझे, वो अलग सा वीडियो बनाऊँगा एक डेडिकेटेड लेकर। तो एक बॉस कंपनी होता है, उसके बाद आते हैं एक चैम्पियन, चैम्पियन भी बहुत अच्छा कंपनी है। तो स्पार्क प्लग में दो कंपनी आपको बताया, और लास्ट में एक आती है मेरा मनपसंद फेवरेट कंपनी जो होता है NGK। NGK का थोड़ा कॉस्ट जो होता है थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा,
10-15 रुपये ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। और काफ़ी मैकेनिक भाई हम लोग आप लोग क्या करते हैं, 10-15 रुपये के कारण हम लोग थोड़ा लो क्वालिटी लगा देते हैं। देखो स्पार्क प्लग जितना भी अच्छा क्वालिटी आप लोग लगाएंगे उसमें माइलेज ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बाइक हम लोगों का मिसिंग नहीं करेगा और ज़्यादा दिन चलेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, 3 कंपनी का मैंने नाम लिया, ये तीनों एकदम ब्रांड कंपनी है और एकदम झकास है। ये तीनों में से आप कोई भी स्पार्क प्लग लगा सकते हैं, बट मेरा जो सजेस्ट है आप लोग एनजी का लगाइए। मैं एनजी का लगाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो लाइफ है बहुत अच्छा लाइफ है, उसका पॉइंट जो होता है बहुत अच्छा पॉइंट है। अब सवाल है आप लोगों के मन में, 12,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक मैंने क्यों किया? तो दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को जो पॉइंट दिया जाता है, इग्निशन होकर जो हम लोगों का करंट यहाँ आता है, तो कभी कभी क्या होता है ये पॉइंट हम लोगों का ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तो इसके लिए हम लोगों का पॉइंट ऊपर चले आते हैं, फांक ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हम लोगों को जो पावर आती है इग्निशन लाइन की वो लॉस हो जाता है। इंजन के अंदर जो पेट्रोल आता है सब आता है ना, इसको कवर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका क्या हो माइलेज घट जाएगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक आप लोगों को एक स्पार्क प्लग चलाना है। और इंजन में अगर पोल्यूशन आ रहा है, मैकेनिक जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो कस्टमर को आप बोल दीजिए जो यानी कि आपके बाइक में पोल्यूशन आ रहा है, स्पार्क प्लग हम जितना भी ओरिजिनल लोकल लगाए ये कट जाएगा, तो कस्टमर को बता दीजिए, कस्टमर क्या करे उस दिन बाद मोहलत लेकर काम कराएगा और चला सकते हैं। तो ये था वीडियो जो स्पार्क प्लग हम लोगों का कैसे वर्क करता है, कितना किलोमीटर चलाता है, ये सब आप लोगों को बताया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।